MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे सेल, रो या कॉलम सिलेक्ट करना और होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंतर्गत आप सीखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी या डिलीट करने के लिए सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी सेल सिलेक्ट करनी हो तो माउस से या तो उस सेल पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड में दिए हुए लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एरोस की सहायता से जो भी सेल सिलेक्ट करनी है उस पर चले जाएं। ऐसा करने से उस सेल में जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए जो भी कॉलम सिलेक्ट करना हो उसके ऊपर जो अल्फाबेट दिया है उस पर क्लिक करें तो वो वाला पूरा की पूरा कॉलम नीचे तक जहां तक वर्कशीट है वहां तक वो सिलेक्ट हो जाएगा। बाहर किसी और जगह क्लिक करने पर वो डिसलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई रो सिलेक्ट करनी हो तो जिस भी नंबर की रो सिलेक्ट करना है उस नंबर पर क्लिक करें तो वो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको इस डेटा का कुछ पार्ट सिलेक्ट करना है तो जिस सेल से डेटा सिलेक्ट करना हो वहां पर माउस ले जाकर के क्लिक करें और उसे ड्रैग करके वहां तक ले जाएं जहां तक का डेटा आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए हमने इतना डेटा सिलेक्ट कर लिया। और यदि आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करना हो तो यहां पर टॉप में कॉर्नर में जो एरो जैसा निशान है उस पर क्लिक करें तो ये देखिए पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई है। मान लीजिए हमको सेकंड रो का जो टेक्स्ट है उसको यहां से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना है तो पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब होम टैब के क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट का ऑप्शन आपको यहां दिखेगा उस पर क्लिक कर दें या फिर शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करें। अब आप इसे अपनी फाइल में या किसी और फाइल में कहीं पर भी जितनी भी बार पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए जहां भी इस टेक्स्ट को पेस्ट करना हो वहां पर क्लिक करें और फिर यहां पर पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दें या फिर शॉर्टकट कीज कंट्रोल वी प्रेस कर दें। ये देखिए ये टेक्स्ट यहां पर पेस्ट हो गया है। कट वाले ऑप्शन में जहां से हम टेक्स्ट को कट करेंगे वहां से टेक्स्ट गायब हो जाएगा, हट जाएगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पर आ जाएगा। कॉपी ऑप्शन यूज करने के लिए जिस टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर शॉर्टकट कीज कंट्रोल सी प्रेस करें। ये टेक्स्ट कॉपी हो गया है। अब आप जहां भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करके यहां से पेस्ट को क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल वी प्रेस कर दें। कॉपी ऑप्शन जब हम यूज करते हैं तो जहां से हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है और जहां पर पेस्ट किया है दोनों जगह वो मैटर या वो टेक्स्ट आपको नजर आएगा। अगर आप इसको एक से ज्यादा जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर हमको कोई भी टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसे पहले सिलेक्ट कर लें। ये जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पर डिलीट बटन को प्रेस कर दें। ये देखिए ये जो टेक्स्ट था वो डिलीट हो गया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा सेल, रो या कॉलम सेलेक्ट करना और होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंतर्गत सीखा कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें
और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।